हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल देविका एंड बाबी ब्लॉग। मैं देविका दिमापुर नागालैंड से लेके आई हूँ और एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो। और ये वीडियो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आई हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से ही, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा कॉमेंट किया है कि मैम अनबॉक्सिंग वीडियो कब देंगे आप। और मेरा जो एफबी पेज है उसमें भी मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर, बहुत सारा फॉलोअर्स ने मैसेंजर में मैसेज किया है कि प्लीज अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड कीजिए। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर टीचर्स डे में वन बाय वन अपलोड किया था, मींस एक जो मैंने वीडियो बनाया था वो बहुत लॉन्ग गया था, 8 पार्ट में मैंने किया था। बट दिस ईयर मैंने सारा गिफ्ट यहाँ पे रखा है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा गिफ्ट है और उस साइड में भी मैंने रखा हुआ है। तो मैं इतना लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दिस ईयर मेरा काम का हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप लोग मुझे देख के सोच सकते हैं कि जैसे मॉर्निंग से मैं स्कूल गई, स्कूल में भी बहुत सारा एक्टिविटीज है। आज हो गया है डेट 20, तो मैं अभी जाके अनबॉक्सिंग वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे कल भी गिफ्ट मिला था, डे बिफोर यस्टरडे भी गिफ्ट मिला था, इसलिए मैंने एक्चुअली नहीं बनाया था। और एक्चुअली स्कूल में इतना सारा एक्टिविटीज की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला था। कल भी बहुत प्रेशर है स्कूल में, मेरा लाइव आर्ट प्रेजेंटेशन है और बहुत आर्ट गैलरी है, मतलब बहुत सारा प्रेशर है, फिर भी मैं बना रही हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से। और आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है प्लीज बेल बटन को भी क्लिक जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि आप लोगों तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। तो अभी मैं ये सब गिफ्ट जो है उस रूम में लेके जाऊंगी, ये सब गिफ्ट उस रूम में लेके जाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो मैं 1 या 2 पार्ट में ही फिनिश करने के लिए कोशिश करूंगी, क्योंकि 8 पार्ट में देने के लिए मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि दिस ईयर मैं आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर मेरा इतना सारा चैनल नहीं था। दिस ईयर बारबी का भी अलग है, मेरा भी जैसे 4,20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। बारबी का भी प्ले बटन जल्द ही आने वाला है, 2-3 दिन में ही बारबी का प्ले बटन आने वाला है। और फेसबुक पेज में भी अपलोड करना होता है, बहुत सारा प्रेशर है, तो इसलिए शॉर्टली दिखाऊंगी दिस ईयर, आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा गिफ्ट मैंने रख दिया यहाँ पे, मैंने नहीं रखा है, मेरे हस्बैंड ने रखा है और मैं बैठी बैठे देख रही थी। तो ये है सारा गिफ्ट 2024 के टीचर्स डे का। थैंक यू सो मच माय लवली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने इतना सारा प्यार मुझे भेजा है। और मेरे हाथ में भी बहुत सारा प्यार है स्टूडेंट्स का, और मेरे आसपास भी चारों तरफ ही प्यार है स्टूडेंट्स का 2024 का ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो, जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और मुझे मैसेज के ऊपर मैसेज किए जा रहे थे, कमेंट के ऊपर कमेंट किए जा रहे थे। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में फ्लावर्स है, ये मुझे ये दिया था विक्टर ने, ये दिया था लिपक सनला ने, और ये दो मेरे और दो स्टूडेंट्स ने दिया था, ये सारा स्कूल के स्टूडेंट्स ने ही मुझे दिया था। थैंक यू सो 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 मच। तो मैं यहाँ पे रखती हूँ, और उसके बाद ये जो है गिफ्ट दिया है मुझे दिया है, ये जो गिफ्ट दिया है मुझे सोमेन के मम्मी ने दिया है, ये बंगाली में बोलते हैं तातेर साड़ी, तो तात का है ये साड़ी, मैं दुर्गा पूजा में लगाने वाली हूँ ये। थैंक यू सो मच सोमेन और श्रेयांश, दोनों ने दिया है, दो ब्रदर है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और उसका मॉम मेरा फ्रेंड भी है। थैंक यू सो मच मम्पी। तो ये वाला गिफ्ट मैंने खोल लिया था, एक्चुअली सोमेन के मम्मी मुझे ऐसे ही पूछ रहा था तुम्हें कैसा लगा वो गिफ्ट, तो मुझे खोलना पड़ा, वो भी पैक किया हुआ था तो मैंने खोल दिया। और ये जो गिफ्ट है ये भी मुझे सबर ही नहीं हुआ, कुछ कुछ गिफ्ट मैंने खोल दिया। और ये मुझे दिया है पोम्पी दी ने, देवी का जो है स्टूडेंट का नाम मेरा मेरे नाम से ही है, तो पोम्पी दी ने मुझे ये गिफ्ट दिया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये सलवार, ये सेट है, सेट है, मुझे ये दिया है पोम्पी दी ने। मैं जल्दी जल्दी इसे थोड़ा दिखा देती हूँ, मैं ऐसे ही अभी रख देती हूँ। थैंक यू सो मच देविका एंड पोम्पी दी। और नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, ये है सलवार, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जो जो दिखाया हो जाएगा। अच्छा मैं उस तरफ रख देती हूँ, ये फ्लावर्स मैं यहाँ पे ही रहने देती हूँ। सॉरी सॉरी,
यहाँ पे ही रहने देती हूँ। ये गिफ्ट दिया है मुझे सर जॉय के वाइफ ने, तो उन्होंने मुझे दिया है, थैंक यू सो मच। उनका डॉटर मेरे पास ही ड्राइंग सीखती है और वो बहुत ही हमारे स्कूल का ही स्टूडेंट है। थैंक यू सो मच मैडम। उन्होंने मॉर्निंग में ही कॉल करके लिया था, कॉल किया था कि मैंने आपके लिए प्लीज़ एक गिफ्ट सेंड किया, आप प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच मैडम। तो नेक्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ आराध्या दास का गिफ्ट, और ये मुझे दिया है आराध्या दास ने। ये हम लोग आराध्या दास जो कि मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड भी है, आराध्या दास के मम्मी, आराध्या दास नहीं है, आराध्या दास तो बारबी का फ्रेंड है। ये मैं पूजा में पहनने वाली हूँ। थैंक यू सो 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 मच। और एक मेरा फेवरेट दिया है जो मैंने ट्राई भी कर लिया, वो जाने के बाद ही मैंने ट्राई कर लिया। ये मैं आप लोगों को पहन के ही दिखाऊंगी बाद में जब मैं रील्स पोस्ट करूंगी, तो मैं ये अच्छे से अभी नहीं दिखा पाऊंगी। ये मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रेस है, जब मैं पोस्ट करूंगी रील्स तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, जब मैं पहनूंगी तब मैं बताऊंगी ये इस ड्रेस के बारे में। मेरा वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेस है, मैं दिखाऊंगी, उतना डिटेलिंग में मैं अभी बता नहीं सकती हूँ ये क्या है क्या है क्या है, पहन के मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ ये बिनॉय के मम्मी ने मुझे ये दिया है। मैं ये ठीक करके दिखाती हूँ। उस दिन मैंने ऐसे ही खोला था, खोल के देखा था तो ऐसे ही रख दिया था। ये मुझे दिया है बिनॉय के मम्मी ने, थैंक यू सो मच। ये नीस ड्रेस का कलर और पोम्पी दी ने जो दिया है ऑलमोस्ट सेम है वो कलर, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और ये मुझे दिया है रियांश, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके मम्मी टीचर्स डे के दिन ही मुझे कॉल किया था, मॉर्निंग से ही कॉल किया था, तो रात को आके मुझे देके गई, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ्रॉक, मैं ज़रूर पहनूंगी। थैंक यू सो मच रियांश, थैंक यू। मैं इस तरफ अभी रख देती हूँ। और ये मुझे दिया है जयंत ने, और गुड़िया जो मैं बुलाती हूँ वो ये ड्रेस दिया है, देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब पहनूंगी कहीं जाने के लिए मैं तब मेंशन ज़रूर करूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी किसने, मतलब अभी तो बता ही दे रही हूँ जयंत ने दिया है, तो मैं जब पहनूंगी आप लोगों को और एक बार रिमाइंड कर दूंगी कि मेरा टीचर्स डे गिफ्ट है, ब्लैक मेरा फेवरेट है। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच जयंत एंड गुड़िया। और ये सब जो दिया है ये दक्षिता के मम्मी ने दिया है, दक्षिता ने दिया है एक्चुअली, ये सब चॉकलेट्स हैं, मैं खाने वाली हूँ ये सब। ओ माय गॉड, ये तो बारबी के पेट में पूरा जाएगा और मैं अभी खा लूँगी ये तो। थैंक यू सो मच दक्षिता। और ये गिफ्ट दिया है मुझे रूबिक ने, ये टीचर्स डे से पहले जो संडे था मैंने ये रील्स अपलोड किया था मेरे पेज में, उसने रूबिक ने दिया था। थैंक यू सो मच रूबिक, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। और ये जो गिफ्ट दिया है वो मैंने नाम नहीं लिखा है, सॉरी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो थैंक यू सो मच इन्होंने भी दिया है। बहुत सारा गिफ्ट ऐसा है जो जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, और ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट ने ही दिया है, मैडम देवी का इसीना ने दिया है मेरा ये गिफ्ट। इसीना ने एक बहुत ही लवली कार्ड भी दिया है, थैंक यू सो मच इसीना, कार्ड भी दिया है यहाँ पे फिट करके। और उसके बाद अंदर में एक बैग है, वाओ वाओ वाओ, मैं दिखाती हूँ बैग ये, वाओ माय गॉड फुल हैवी है, ये मटेरियल्स डिफरेंट है और अंदर में और दो गिफ्ट है। इसी ना तो मुझे गिफ्ट देते ही रहती है। मैंने जब मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया था, सिल्वर प्ले बटन रिसीव किया था, तब मुझे इसीना को गिफ्ट देना चाहिए, बट इसीना ने मुझे दिया था एक बहुत ही बड़ा बुके मुझे दिया था, मैंने वो उस रूम में सजाया हुआ है। थैंक यू सो मच इसीना, एवरी टाइम मुझे गिफ्ट देती है इसीना। और ये खोल के दिखाओ, अभी तो खोलना ही पड़ेगा, यस इतना दिन नहीं खोला, हाँ बाद में खोलेंगे। ये है एक ब्यूटीफुल पेन, मैं ज़रूर यूज़ करूँगी, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये इसीना का फेवरेट डायरी होगा, इसीना को डायरी बहुत बहुत पसंद है मुझे पता है। थैंक यू सो 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 मच इसीना, मैं ज़रूर यूज़ करूँगी, मैं इसके अंदर ही अभी रख देती हूँ। थैंक यू, मैं इस तरफ रख देती हूँ अभी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये भी एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया है, एक डायरी एक पेन, स्कूल के स्टूडेंट ने ही, बहुत ही क्यूट है। मुझे डायरी बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं एवरी टाइम ड्रॉ करती रहती हूँ, डायरी होता है तो डायरी में ड्रॉ करती रहती हूँ। ये दिया है ये नाम प्रॉपर नहीं लिखा, जो लिखा हुआ था स्प्रेड हो गया, मेरे स्कूल के ही स्टूडेंट ने दिया है एक्चुअली ये सब। ओह माय गॉड,
उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है विकिशनियो रिचा, हमारे स्कूल से है। यहाँ पे जो लिखा हुआ था स्प्रेड हो गया, इतना सुंदर सा काप दिया। और मैं चाय पीते पीते मेरा फेस भी देख सकती हूँ। वाओ, बहुत ही यूजफुल काप है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच विकिशनियो रिचा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यहाँ पे और भी गिफ्ट है, ये एक बाउल की तरह लग रहा है, गिरिक भी ने दिया है मुझे, थैंक यू सो मच गिरिक भी। अच्छा वाओ, ये कवर भी है, मैं वर्म वाटर कर सकती हूँ, थैंक यू सो मच गिरिक भी। और नेक्स्ट है, ये दिया है हैप्पी टीचर्स डे लेनियर, लेनियर हमारे स्कूल का ही स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा है आर्ट में। लेनियर खोल के दिखाती हूँ, ये हॉट केस है, थैंक यू सो मच लेनियर। और यहाँ पे एक गिफ्ट रह गया, ये वाओ, ये दिया है मुझे पुतोहो ने, पुतोहो के तरफ से है ये गिफ्ट, क्लास 4D में पढ़ता है। वाओ, ब्यूटीफुल हैंड वॉश नायका के तरफ से है। वाओ, नायका का सामान किसको नहीं पसंद है, मैं भी बिग फ्रेंड हूँ नायका का, थैंक यू सो मच, मैं इसे ज़रूर यूज़ करूँगी। और मैं नेक्स्ट किसका दिखा, ये दिया है मुझे मिशमी ने, लास्ट संडे ही दिया है मुझे, देखिए इतना लवली सा तो बैग है। वाओ, मैं ज़रूर यूज़ करूँगी मिशमी, अभी मैं मिशमी को तो आप लोग जानते ही होंगे, वो तो मेरा एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट है मिशमी। लास्ट टाइम उसने मेरे, लास्ट संडे मेरे साथ एक वीडियो भी बनाया था, उसने लॉटस ड्राइंग किया था। और ये मुझे दिया है किसने, अकितो ने, उसका गिफ्ट, सॉरी मैंने देख लिया क्योंकि स्कूल में दिया था, क्लास 2B का है अकिवितो, अकिवितो तो उसने जो लाइट दिया है, ये लाइट मैं आप लोगों को दिखाने से आप लोग समझ पाएंगे, बट अभी कैसे दिखाऊं, मैं जब जलाऊंगी, जब भी यूज़ करूंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये यहाँ पे सोलर सिस्टम है, देखिए सोलर सिस्टम है, और जब मैं यहाँ पे ऐसे फिट करूंगी और ये वायर है फिट करूंगी, ये चार्जर चाहिए होगा फ़ोन का, तब पूरा घर ऐसा सोलर सिस्टम लाइट देता है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच अकिवितो, मैं ये बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, ये अगर दिखाने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये किसी ने मतलब दिया है, ये गिर गया यहाँ पे, किसी के गिफ्ट से गिर गया है। और ये दिया है मुझे मैदाबी ने, थैंक यू सो मच मैदाबी, मैडम रंजीता ने मुझे ये दिया है, ये बहुत ही एक अच्छा कुर्ता है, मैं ये ज़रूर पहनूंगी, थैंक यू सो मच मैदाबी, थैंक यू सो मच मैडम। मैदाबी भी मेरा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट ही मेरा फेवरेट और मेरा बहुत ही ध्यान रखता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है सभी। और ये मुझे दिया है निबिशा ने, शायद मतलब 100% श्योर नहीं, मैं वीडियो देख के मुझे पता चलेगा, मुझे लग रहा है निबिशा ने ही दिया है, क्योंकि टीचर्स डे जब सेलिब्रेट किया था निबिशा ने, मुझे ये लग रहा है निबिशा ही दिया है, थैंक यू सो मच निबिशा, बहुत ही अच्छा है। मैं ये यूज़ तो नहीं करूँगी, सजा के रखूँगी क्योंकि यूज़ करने से ख़राब हो जाएगा, सजा के रखूँगी, थैंक यू सो मच निबिशा, मैं ऐसे ही अभी रख देती हूँ। और नेक्स्ट है, बहुत सारा गिफ्ट है, मैं कैसे खोलूँ इतना सारा एक साथ। अच्छा तो ये है एक बैग जो मुझे दिया है, आई थिंक शताब्दी बुलाती है उसको, उसका नाम है स्वस्तिका, स्वस्तिका ने ये बैग दिया है, थैंक यू सो मच स्वस्तिका, वो भी आर्ट में बहुत ही अच्छी है। और ये जो गिफ्ट दिया है, ये मुझे दिया है मैडम रंजीता का ही डॉटर है, उसका नाम है, नहीं ये अलग दिया है, ये रंदन बेनी ने दिया है, रंदन बेनी ने दिया है, थैंक यू सो मच रंदन बेनी, थैंक यू सो मच रंदन बेनी, रंदन बेनी ने दिया है ये मुझे, थैंक यू सो मच।